कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को दोबारा से सरेंडर कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपना एक बयान दिया और ये कहा कि मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा, सरकार जेल से चलती रहेगी और मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे दुख नहीं है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने उन पर दोबारा से आरोप लगा लिए हैं और इस बार स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि 13 मई को वो मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थी। केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ उस वक्त मारपीट की थी। स्वाति मालीवाल अपनी शिकायत में कह चुकी हैं कि विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे थे, उनके सिर पर वार किया था, जिसके बाद उनकी छाती और पेट पर लात मारी थी। इस दौरान उनके शर्ट के बटन खुल गए थे। गौरतलब है कि 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल फिलहाल मीडिया से बात करते हुए स्वाति मालीवाल कहती हुई नजर आई हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल के बर्ताव से बहुत दुखी हूं और आहत हूं। मेरा पूरा परिवार ट्रॉमा में है क्योंकि मैं 2006 से बिना किसी स्वार्थ के अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही हूं। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी, उनके पास कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं थी, तब से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूं। और अब जिस तरह से उनका स्टैंड नहीं ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बात उन्हें दुखी कर रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का कहना है कि उनके साथ हुई मारपीट मामले में पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रवैये से वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। स्वाति ने यह भी कहा कि घटना के बाद ना तो वो उनसे मिलने आए ना उनसे बात की, जबकि स्वाति मालीवाल हमेशा उनके साथ रही हैं और अरविंद केजरीवाल जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, आखिर क्यों उनके मुद्दे पर चुप हैं, इस बात का जवाब मांगती हुई स्वाति मालीवाल नज़र आ रही हैं। हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल कल दोबारा से तिहाड़ जेल में सरेंडर करने वाले हैं। इसी बीच सियासत बढ़ती हुई नज़र आ रही है राजधानी दिल्ली में।